तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी दिल्ली कमलम खाते पहुंची चुक्या छे के ज्यां तेओनुं उमड़काभेर स्वागत करवामां आव्युं छे। आप जोई शको छो दृश्यो जे सामे आवी रह्या छे। भाजपा के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर जुटे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री के भाजपा मुख्यालय पहुँचते ही आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं और खास करके जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो सीधे अपनी गाड़ी से चलते हुए भाजपा मुख्यालय के भीतर चले जाते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का अभिनंदन थोड़ा सा अलग है और खुद जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो गेट है मुख्यालय का गेट है वहाँ पर पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बुके दिया। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय में पैदल चलते हुए मुख्यालय की तरफ यानी जहां पर सम्मेलन होना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और जो भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल माले जो बरसाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। मैं एक बार फिर बताऊँ कि हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में आते हैं तो हर बार से नज़ारा यहाँ पर अलग है। प्रधानमंत्री सीधे अपने गाड़ियों के काफिले के साथ बीजेपी मुख्यालय में घुस जाते हैं लेकिन इस बार G20 सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री खुद गेट के बाहर जब पहुंचे तो जेपी नड्डा के द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चलते हुए बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे और G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री का इस तरह से स्वागत किया जा रहा है। और खास करके G20 सम्मेलन के बाद ये पहला सम्मेलन है, ये पहला जो बैठक है बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसी में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं। और पहले से ये तय कार्यक्रम नहीं था लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय में पहुँचे और प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए तो एक तरह से काफ़ी उत्साह बीजेपी मुख्यालय में है। और हर बार से अलग प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ सीधे बीजेपी मुख्यालय में नहीं गए बल्कि पैदल चलते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी खूब ज महत्वनी बैठक माटे पहोंच्या छे। जे रीते अमारा संवाददाता अजय यादवे जणाव्युं ए रीते पहली वक्त आवा दृश्यो जोवा मळी रह्या छे दिल्हीना कमलम खाते के ज्यां वडाप्रधान बुके आपीने स्वागत करवामां आव्या। आटली मोटी जनमेदनी होय के जे एक बैठक माटे पण वडाप्रधाननी राह जोईने ऊभी होय कारण के ज्यां एक तरफ सफळ आयोजन थयुं हतुं G20 त्यारબાદની आ प्रथम बैठक थई रही छे अने ए बैठक खूब ज महत्वनी मानवामां आवी रही छे। तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदी हाल कमलम दिल्ली खाते पहुंचा है। G20 ना सफल आयोजन बाद पहली बैठक वडाप्रधान ने आ थवा जई रही है। जी बैठक ने खूब महत्व की मानवामां आवी रही है कारण के आवनारा समय में जे चूंटणीओ आवी रही है ध्यान में राखी ने पण आ बैठक खूब महत्वनी है।